रुको हाँ लगभग मुझे लग रहा है आज मैं आप सबके साथ में अपनी बहुत ही अनप्लान सी जर्नी ट्रैवल शेयर करने वाली हूँ। अब देखेंगे। हाँ इस पार जाने के लिए कोई पास तो बनवाना पड़ेगा। क्यों भाई? आधार कार्ड है। आधार तो है। वो दिख रहा है। हम गए थे लखनऊ से गोरखपुर, गया ट्रेन की इवेंट टाइम था तो हमारे पास ट्रेन की टिकट भी नहीं थी, विच वॉज एन एडवेंचर क्योंकि हमें इमीडिएटली टीटी से टिकट मिल गई और गोरखपुर उतरते सामने ही था नेपाल का बॉर्डर। वहाँ पे हमारी हुई चेकिंग, वहाँ के सोल्जर्स ने चेकिंग की और हम पहुँच गए काउंटर पे सबसे पहले मनी एक्सचेंज कराने के लिए अपने इंडियन रुपीज़ को नेपाली में। ये नेपाल का बॉर्डर दिख रहा है, बीच में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था कैप्चर करने के लिए, सिर्फ रोड ही रोड थी तो इसलिए मैं डायरेक्ट अपना गेट रेडी सूट कर ही रही थी, फटाफट रेडी हो गई और फिर हमने डिसाइड किया टू विजिट लोकल साइट सीइंग ऑफ पोखरा। तो यस मैं ये बताना भूल गई, नेपाल बॉर्डर से हमने डायरेक्ट पोखरा के लिए कैब की थी और फिर हम रेडी होके लोकल साइट सीइंग की को पोखरा की। पहला प्लेस था ये जो कि है गुप्तेश्वर महादेव की, वैसा है ना गुप्तेश्वर जैसा, और यहाँ पे जो स्टोरी है जब शिव जी के पीछे भस्मासुर पड़ गया था और वो शिव जी फिर इसी गुफा में आके छुप गए थे और उसके बाद उन्होंने भस्मासुर का अंत किया, तो ये स्टोरी इसी केस से रिलेटेड है। और वैसे तो स्टोरी के अलावा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्लेस था ये, जो केव था अंदर से बहुत सुंदर और थोड़ा रिस्की मुझे लग रहा था, इंप्रेस कर रहा था। यहाँ पे उन्होंने गांधी जी के थ्रू शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने का एक प्रोसेस बना रखा था, ठीक है, फन था, अमेजिंग था। ये केव के अंदर हम जा रहे हैं और इट वॉज बिट स्लिपरी और थोड़ा सा डेंजरस था क्योंकि नेचुरली मेड केव है, कोई भी मैन मेड नहीं था बिल्कुल भी। ये कुछ कुछ सा ऐसे ही है, पता है वो कलरफुल सा जो मैंने देखा था झरने का रिफ्लेक्शन वो झरने के पास में। अरे इधर से कैसे जाएंगे, स्लोप है, नहीं पता नहीं कोई गए। वाओ इधर खत्म, उधर वो लोग गए थे ना। वाओ ओ भाई यहाँ पे कुछ बहुत ही अमेजिंग देखा था हमने। यहाँ पे जो सांप होते हैं उनकी आकृति और सर जो होता है वो इंसान का सर, ऐसा कुछ आकृति बना हुआ दिख रहा था जिसे देख के हम बहुत आश्चर्य में थे क्योंकि पूरे उस एरिया में इस तरह का था, बट पॉसिबिलिटी है कि वो पानी की रिसाव से बन गया था, बट एग्जैक्टली शिवलिंग के जस्ट सामने ये पूरी आकृति बनी हुई थी जो सामने का पहाड़ और क्लोजली अगर आप देखोगे तो आपको भी दिखेगा। नेक्स्ट हम गए थे टॉप ऑफ पोखरा जो कि सबसे ऊंची पहाड़ी पे था, वहाँ पे शिव जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू था और वही देखने सब जा रहे थे। वहाँ से पूरा हिमालय का रेंज दिख रहा था, बहुत सुंदर जगह थी और वहाँ पे ये छोटे छोटे से बत्तख थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे तो मैंने बहुत सारी केव देखी है लेकिन ऐसा केव जल्दी मैंने नहीं देखा जहाँ पे एटलीस्ट लाखों की संख्या में बैट थे, मीन्स वहाँ पे चमगादड़ थे लाखों से की संख्या में और वो सारे ऊपर की तरफ ऐसे टंगे हुए थे और पूरे अंदर गुफा में पूरी गुफा की जो सीलिंग होती है सारी जगह चिपके हुए थे और वहाँ पर लाइट ले कर जाना था, अदरवाइज डिफ़िकल्ट था।
बात पूरा बाहर हो जाएगा। तो गंदा कितनी यार अंदर है। ये सारे चमगादड़ जो थे वो अपनी जगह पे टिके हुए थे, वरना मेरी तो जान नहीं सूख रही थी। मैं बिल्कुल भी करीब से नहीं देखने वाली थी इन्हें, लेकिन जितनी दूर तक मेरी नजर जा रही थी वहां पर सिर्फ चमगादड़ ही चमगादड़ दिख रहे थे, और इट वॉज बिट स्केरी फॉर मी। रुको बाप रे, हाँ उसकी रिटी बनाएंगे। लास्ट इज दिस प्लेस जो कि था वहाँ का एक लोकल कोई मंदिर था, लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी। वहाँ पे इवन लोकल लोग जो नेपाली लोग थे उनकी शादियाँ हो रही थी, और बहुत ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट था। पूरा पहाड़ का व्यू दिख रहा था वहाँ से। उस प्लेस का नाम मैं शायद भूल गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए हैं वहाँ से घूम के आए हुए, बट इट वॉज वर्थ विजिटिंग। नेक्स्ट वी प्लान टू गो टू मुख्य, सो उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।